गोवा भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, हालांकि यह अपने समुद्री भोजन के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। एक और प्रसिद्ध गोवा विशेषता एक मांस व्यंजन है जिसे सपोटेल कहा जाता है। अगर आपने यह कोशिश की है तो आप क्या मांस खाएंगे? तो इसका सही आंसर है सुअर का मांस, पोर्क जो है इसे ट्राइड किया जाता है, जिसे एस्पोटल सॉरी सोरपोटेल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोवा से महाराष्ट्र के तट पर ड्राइव करते समय आपको मराठा राजा शिवाजी द्वारा निर्मित कुछ किले को देखने का मौका मिलता है। आपको प्रामाणिक मालवणी व्यंजनों का स्वाद लेना होगा। यह मुख्य रूप से मांसाहारी और इसे विभिन्न प्रकार के चिकन समुद्री भोजन शामिल है। यहाँ भोजनों के साथ परोसे जाने वाले जो ड्रिंक है वो है सोला काढ़ी। सही आंसर है सोला काढ़ी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा जो क्वेश्चन है, राजस्थान अपने महलों, किलो, रंगीन पुष्कर मेले और रेगिस्तान सफारी के लिए प्रसिद्ध है। शाम को रेत के टीलों पर आराम करते हुए आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजन पेश किया जाना है? तो सही आंसर है दाल बाटी। दाल बाटी जो है राजस्थान का जो है बहुत ही फेमस डिश है। राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स प्लेस फॉर द कलरफुल पुष्कर फेयर एंड डेजर्ट सफारी जो वाइल रिलैक्सिंग ऑन दिस सैंड ड्यून्स इन द इवनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिक राजस्थानी डिश आर यू लाइकली? तो वह दाल बाटी सबसे प्रसिद्ध भारतीय व्यंजनों में से एक तंदूरी चिकन है। खाना पकाने की तंदूरी शैली किस भारतीय राज्य की विशेषता है? तो सही आंसर है पंजाब। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंडियन डिशेज इज तंदूरी चिकन। द तंदूरी स्टाइल ऑफ कुकिंग इज अ स्पेशलिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट्स? द राइट आंसर इज पंजाब। गुजराती व्यंजन मुख्य रूप से शाकाहारी है। भोजन आमतौर पर थाली और स्टील के प्लेट में अलग अलग ग्रेवी और सब्जियों के लिए छोटी कटोरिया जहाजों के साथ परोसा जाता है। इसमें से कौन सा एक विशिष्ट गुजराती व्यंजन है? यह है उंधियुन। उंधियुन जो है गुजराती डिश है जिसे छोटे छोटे जो है बाउल में वो परोसा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो छठा क्वेश्चन है आपको। हैदराबाद एक हलचल भरा भारतीय शहर है जिसमें कई स्मारकों और स्थलों का जन्म हुआ है। जब निजामों ने इस शहर पर शासन किया था, हैदराबाद आने पर आपको कौन सी डिश याद करनी चाहिए? वो है बिरयानी। हैदराबाद इज अ बस्टलिंग इंडियन सिटी विच हैज़ अ नंबर ऑफ मोनूमेंट्स एंड लैंडमार्क डेटिंग बैक टू द टाइम व्हेन द निजाम रूल दिस सिटी। विच डिश शुड बी डिफिनेटली नॉट मिस आउट ऑन? तो ये सही आंसर है बिरयानी। इरोम्बा मछली सब्जी और बांस की गोली से बना व्यंजन है और इसे किण्वित किया जाता है। और कौन सा उत्तर भारतीय पूर्वी भारतीय राज्य इस विशेषता का दावा करता है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। इरोम्बा इज अ डिश मेड ऑफ फिश वेजिटेबल एंड बम्बू शूट्स एंड इट्स सर्व्ड फर्मेंटेड। विच नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट बोस्ट ऑफ द स्पेशलिटी? द राइट आंसर इज मणिपुर। पारसी 10वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में पहली बार फारस में सामने आए धार्मिक उत्पीड़न से भाग कर आए थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, व्यापार और विमान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पारसी व्यंजनों का हिस्सा नहीं है? तो यह है ओलान। ओलान जो है जो कि पारसी जो व्यंजन है उनका ये नहीं है व्यंजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका 9वां क्वेश्चन है। तो इस प्रकार है, मछली बंगाली व्यंजनों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रामाणिक बंगाली तैयार नहीं है? सही आंसर है प्रान कोलीवारा। अब इसका हम इंग्लिश वर्जन जान लेते हैं। फिश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बंगाली कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक बंगाली प्रिपरेशन? द राइट आंसर इज परवा कोलीवाड़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 10वां नंबर, भारत के दक्षिणी राज्य केरल की यात्रा के बिना यात्रा भारत की यात्रा अधूरी है। यह हाउस बोट किराए पर लेना और बैकवाटर से बना आराम और आराम करने का शानदार तरीका है। यह व्यंजन जिसकी आपको यहाँ स्वाद की संभावना है, यह शाकाहारी तैयारी है जिसे एवियल कहा जाता है। यह सच है दोस्तों? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप
नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके, आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि आपके जो और भी दोस्त हैं वो इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ ले सके, जिससे कि वो कुक के रिटर्न एग्ज़ाम में 100% सफल हो। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।